दोस्तों, अगर आप साल 2023 में मैट्रिक पास किए और मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए, मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, उसके बाद जो फॉर्म फाइनलाइज होता है ऑनलाइन के बाद, कैसे करेंगे? आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे किस तरह से आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फाइनलाइज सबमिट कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे किस तरह से आप कर पाएंगे। चलिए, करने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको हम विस्तार से बताते हैं किस तरह से आप अपना फॉर्म को फाइनलाइज कर पाएंगे मैट्रिक स्कॉलरशिप का। तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर किस तरह से आप आ सकते हैं, पहले आप अपने आने के लिए अपना मोबाइल है तो मोबाइल में ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे मैट्रिक 2023। सर्च करने के बाद यहाँ से सेकेंड वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, मैट्रिक 2023 मेधा सॉफ्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ देर लोडिंग लगा, देख सकते हैं मैट्रिक 2023 का ऑफिशियल वेबसाइट खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अब आप किस तरह से अपना फॉर्म को फाइनलाइज कर पाएंगे। फॉर्म को फाइनलाइज करने के लिए यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका जो मोबाइल पर user ID पासवर्ड आया होगा, ऑनलाइन करने के बाद आपका जो मोबाइल पर user ID पासवर्ड आया होगा, यहाँ से अपना लॉगिन कर लेंगे। यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ देर लोडिंग लगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ से अपना यूज़र आईडी को डालेंगे। यहाँ से उसके बाद यहाँ से अपना पासपोर्ट को डालेंगे। पासपोर्ट को डालने के बाद यहाँ से अपना कैप्चा को ध्यान से देख के यहाँ से अपना कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा को डालने के बाद यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक कर गए, कुछ इस तरह का पेज खुल कर आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेशन भी डन, डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन भी डन है। यहाँ पर फाइनलाइज एप्लीकेशन नहीं है तो फाइनलाइज एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। आपको फॉर्म फाइनलाइज करने के लिए यहाँ से आप सभी में गाइडलाइन में टिक लगा देंगे, यहाँ से गाइडलाइन को पढ़ के यहाँ से टिक लगा देंगे। चलिए टिक लगाते हैं। टिक लगाने के बाद यहाँ से सबमिट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई योर डिटेल्स खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपका यहाँ से सभी में यस कर देंगे, यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट नेम है तो यहाँ से यस कर देंगे, यस करने के बाद यहाँ से फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सभी में यस कर देते हैं। यस करने के बाद यहाँ से फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल पर 4 डिजिट का OTP जाएगा। यहाँ से अपना OTP को डाल देंगे। OTP को डालने के बाद यहाँ से वेरीफाई OTP पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अपना प्रिंट को डाउनलोड कर लेंगे। और ऐसे ही अपडेट से जुड़ी रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।